हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें एक धमाकेदार न्यूज़ आने वाली है और इसी न्यूज़ के चलते आज शेयर में अपर सर्किट लगा है। आने वाले दिनों में भी शेयर अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। आप इस कंपनी को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि पेंट्स बनाती है। पेंट्स बनाने वाली कंपनी है जिसका आज का रेट था 175 रुपीज़ और 52 भी खाया था 245 रुपीज़। काफ़ी करेक्शन में ये शेयर मिल रहा है। ये शेयर का पी है 150 का, ईपीएस है 1.20 का, डेट टू इक्विटी रेशो है 0.10। कंपनी पे डेट नहीं के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 15% है और एफआईआई का होल्डिंग 17% है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। कंपनी का भी मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। दिसंबर 22 में कंपनी का लॉस था 3 करोड़, सितंबर 23 में प्रॉफिट आया 3 करोड़ 50 लाख और अभी दिसंबर 23 में प्रॉफिट आया 4 करोड़ 10 लाख। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। कंपनी कामधेनु ग्रुप से बिलोंग करती है। कामधेनु TMT सरिया और कामधेनु लिमिटेड जो एक लिस्टेड कंपनी है उसी में से डिमर्ज होकर ये कंपनी बनी है, कामधेनु वेंचर्स। कामधेनु वेंचर्स का 3 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है जिसमें कंपनी स्प्लिट डिक्लेयर करने वाली है। तो इसी न्यूज़ के एंटिसिपेशन में आज शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। आने वाले दिनों में मार्केट में तेज़ी बनी रह सकती है, उसके साथ में ये शेयर भी तेज़ी से भाग सकता है। आप इस कंपनी को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी का नाम है कामधेनु वेंचर्स। इसका आपके ऐप में आपको नाम मिल जाएगा कामो पेंट्स के नाम से, या कामधेनु वेंचर्स नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, जिसका स्प्लिट का मीटिंग है 3 अप्रैल को। तो उसके पहले ये शेयर अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।